सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़िया। शंघाई तआवुन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास पाकिस्तान में कामयाबी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। शंघाई तआवुन तंजीम की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक तारीखी मौका है। इस मेज़बानी से पाकिस्तान के इलाकाई असर रसूख में इजाफा होगा। शंघाई तआवुन तंजीम में खित्ते के तमाम अहम ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान इलाकाई सियासत में अहम शराकत दार बन गया है। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। एससीओ के कामयाब इजलास से दुनिया को यह पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक जो तासुर मौजूद है, दरअसल वो हकीकत नहीं है। दो दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग ने बिलाशुबा पाकिस्तान के हर शोबे को मुतासर किया। बैरूनी सरमाकारी की राह में भी रुकावटें हायल हुई, लेकिन एससीओ की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए दुनिया के सामने अपनी मुस्बत तस्वीर पेश करने का एक अहम मौका है। एससीओ के फोरम से मुंसलिक मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिससे तआवुन की नई राहें हमवार होंगी। एससीओ के मेंबर ममालिक के वफूद में सबसे बड़ा वफ्द रूस का है, जो 76 अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी तआवुन के लिए कुछ अरसे से कोशिशें जारी हैं। दो तरफा इक्तिसादी तआवुन में तवानाई का शोबा बहुत अहमियत का हामिल है। रूस एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि पाकिस्तान तवानाई की किल्लत का शिकार है। तो पाकिस्तान रूस से गैस और पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने का ख्वाह है, और इससे हमें तवानाई की किल्लत को कम करने में भी मदद मिल सकती है। जबकि दूसरा अहम शोबा जिसमें पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी तआवुन के इम्कान मौजूद हैं, वो ज़रात है। रूस एक बड़ा ज़रई मुल्क है, जिसके पास पाकिस्तान की ज़रात को फ़रोग देने की खासी सलाहियत है। पाकिस्तान रूस से ज़रात के शोबे में टेक्निकल सपोर्ट भी हासिल कर सकता है, जिससे मुल्क की ज़रई पैदावार में इजाफा हो सकता है। दिफाई शोबे में भी पाकिस्तान और रूस के दरमियान तआवुन के इम्कान मौजूद हैं। रूस एक बड़ी दिफाई कुव्वत है, जिससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में मुआवनत मिल सकती है। चीन के वज़ीर आज़म भी एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड मनसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। सीपैक का फेज़ टू भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मज़ीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक हो गया है। सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंसानी वसाइल की तरक्की और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुतअद्दिद शोबों समेत 13 एमओयूज़ पर दस्तखत हो गए हैं। इस अहम मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी के तबादले के माहदे का भी ऐलान किया गया है, जो कि बहुत ही अहमियत है। अब इस वक्त जो खित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन है और पूरी दुनिया में इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शरी रहमान साहब, शरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये शंघाई तआवुन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान में होना कितनी अहमियत का हामिल है, फिर इक्तिसादी और माशी एतबार से इसकी कितनी अहमियत है? इक्तिसादी और माशी एतबार से ये बहुत एक मैं समझती हूँ टर्निंग पॉइंट और संगे मील हो सकता है पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए कि देखिए, ये ज़्यादातर इसमें ज़रूर माहौलियाती सिक्योरिटी और इक्तिसादी और माशी अमूर पर तबादला ख्याल भी होगा, और मौका मिलता है बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का, जिसमें एमओयूज और दूसरे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के मुआहदे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप टैरिफ रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए जी, कि फॉलो अप करें, मीटिंग्स को इस तरह प्लान करें कि जो जितना भी डिस्कशन हो रहे हैं, डायलॉग हो रहा है, वो सहर हासिल हो और उनमें ठोस सम्राट निकल आए। क्योंकि हर मीटिंग एक मौका होती है, मैं समझती हूँ, चाहे वो रस्मी हो गैर रस्मी हो, जिसमें ताल्लुकात को बढ़ाते बढ़ाते आप रास्ते निकालते हैं, दरवाजे खोलते हैं मुस्बत पेशरफ के लिए, और उसको फिर अमली जामा पहनाएं फोटो अपॉर्चुनिटी के आगे। ये बहुत दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है, जिसको पाकिस्तान इस वक्त मेज़बानी के फराइज के अंजाम दे रहा है। अब ये इक्तिसादी तौर पर तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इसको आप कितना बड़ा मौका कहेंगी, वहाँ पर उस फ्रंट पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए इस वक्त? ये तो इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान में एतमाद है इन सारे ममालिक को, और वो आए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े वफूद लेके आए हैं, आला सतह पे लाए हैं। रूस ने तो 70 रुकनी उनका से ज्यादा वक्त है बड़ा, तो इसका ये इस बात की अकासी करता है ना कि सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी ऐसा मुल्क है जहां ना सिर्फ ये बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी का बावेला मचा था
जिसमें कुछ हमारे हमसाये दोस्तों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया था, वो तो पीछे पड़ गया ना, पीछे रह गया ना, क्योंकि ये सारी मेजबानी फिर नहीं हो पाती और ना आपको ये मौका मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम डाउनग्रेड कर रहे हैं अपने वफूद को या कम लोग भेज रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा और सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए कि अपने खारजा सतह पर आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो शहीद साहब एक एटमॉस्फेयर तो इस वक्त क्रिएट हो गया ना पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव जबरदस्त इमेज बिल्ड हो रहा है, तो ये इस वक्त कितनी जरूरत थी इस वक्त में एक ऐसे मौके पर जब हम खत्ते के हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग इस इवेंट के बाद हो चली है। जी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देख के पाकिस्तान एक इस वक्त ऐसा डेस्टिनेशन लग रहा है इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल डायलॉग के लिए कि बहुत जो बहुत सालों से नजर नहीं आई इस तरह का इमेज और इस तरह का इस्तेकाम का मैसेज जो जा रहा है। और ये भी पैगाम मैं समझती हूँ इस वक्त इस मेजबानी से वाजे हो रहा है कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस, पाकिस्तान इज नाउ स्टेबल एंड सिक्योर डेस्टिनेशन, और हम अगर इतने वफूद की मेजबानी कर सकते हैं तहफ्फुज़ और तहम्मुल के साथ और सैर हासिल गुफ्तगू इंशाल्लाह निकलेगी इन सारी बाहमी और रीजनल जो ग्रुपिंग्स हैं इसमें से, तो मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसमें आप अपनी जो आइसोलेशन का एक हो गया था डायमेंशन के बस अब मुल्क तन्हा रह गया है और टेररिज्म का एक वावेला मचा था, फिर बीच में आपको पता है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के आने को की का विजिट कैंसिल हो गया था क्योंकि पीटीआई के धरनों की गूंज में उन्होंने अपना मौखर कर दिया था विजिट। अब तो ये बड़ी मैं समझती हूँ खुशाइन बात है कि यूरेशिया जो है इस वक्त जो वैसे भी मुस्तकबिल का रीजनल पावर नजर आ रहा है सारी दुनिया को ग्रोथ के मेहर से दूसरे कोऑपरेशन और ट्रेड के मेहर से के तनाजर से, तो ये मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा और सहर हासिल विजिट हो सकता है। ये इस इवेंट की इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि भारतीय वफ्द भी यहाँ मौजूद है, भारतीय नुमाइंदगी भी यहाँ पर मौजूद है, गो कि ये कोई बायलैटरल डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं, कोई बायलैटरल इवेंट नहीं है, एक मल्टीलैटरल इवेंट है और SCO के प्लेटफॉर्म कोई वो ज्वाइन करने यहाँ पर आए, लेकिन क्या इसके बाद कोई इस तरह की राह खुल सकती है कि बायलैटरल मुज़ाकरात भी पाकिस्तान और भारत में फिर हो सकें? जी देखिए हमें ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए और मुतवक्को भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। कोई उनको ऐसा मौका ना दें कि वो आपको झिड़क के कहें कि जी हम तो आपसे बात करने नहीं आए हैं। ठीक है। ऐसी भी कोई यहाँ लुटनी मची कि हम डेस्परेट हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सही। हम सिर्फ चाहते हैं कि खत्ते में अमन हो और आखिर हम दो न्यूक्लियर पावर्स हैं जिसके जिनका एक वाज़े हिस्ट्री है और तारीख है जिसमें जंगें और तनाजात काफी डैमेज कर सके हैं। ठीक है, कर चुके हैं उसको और दोनों ममालिक को और लोगों की इस वक्त जो हालत है दोनों ममालिक में वो नहीं देखना चाहते, वो अपने आप को हर चीज से बाला समझ इस वक्त समझ रहे हैं और मैं चाहूंगी कि मेरी ये पेशेंट कोई गलत हो क्योंकि बेहतर है कि हम अपने अपनी जात से आगे सोचें और मुल्क की बेहतरी का सोचें। मुल्क की बेहतरी तो इस्तेकाम और खित्ते में अमन पर ही मुनहसर जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई डिपेंड कर रहा है हिंदुस्तान की बायलैटरल मतलब टॉक्स में आने का या हमारा मुस्तकबिल कोई इस चीज से सिर्फ जुड़ा हुआ है। बेशक बेहतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेशक बेहतरी होगी अगर आप बाहमी ताल्लुकात को फरोग दें, लेकिन एक हाथ से तो ताली नहीं बचती। बिल्कुल सही, बिल्कुल और मैंने सही पहले भी कहा था इनके जब इन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट की थी कि मेरी तवक्को ये कि ये कहेंगे कि हम सिर्फ SCO में शिरकत के लिए आए हैं इस लेवल पर, आगे हमसे कोई तवक्को न रखें कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने आए। आपको याद है उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे उनको भी SCO तंजीम में जब वो हिस्सा लिया उन्होंने वहां तो काफी तल्ख कलामियां हुई साइड पे और मैं नहीं समझती हमें ये करना चाहिए क्योंकि हम
मेजबान है और हमें अपना बड़ापन दिखाना चाहिए। आगे उनकी देखिए, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उन्होंने बात करनी है, वो पहल करें और जरूर पाकिस्तान, मैं समझती हूँ, फौरी तौर पर फिर पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करे। कोई मतलब उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए, लेकिन लचक दिखानी होगी भारत को इस वक्त, अगर वो कुछ इससे लेना या देना चाहते हैं। मेरी नजर में उनकी तंग नजरी अभी भी जारी है और थोड़ा सा तकबर भी आया हुआ है उनकी स्ट्रेटेजिक सोच में, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके मुल्क में गुर्बत, वो जानते होंगे लेकिन उनको उनकी तरजीह नहीं है उनके मुल्क में गुर्बत कितनी है और इस्तेकाम का की कितनी जरूरत है खत्ते को, क्योंकि दोनों फिर मैं कहूंगी न्यूक्लियर पावर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहीद रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू नज़ीर उनकी आपने सुनी। अब माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर मारिया सुल्तान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो मारिया साहबा, भी शहरी साहबा फरमा रही थी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी, हमारी इकॉनमी के फ्रंट पर भी, लेकिन हम ट्रेड के नंबर जब देखते हैं अपने इन ममालिक के साथ जो SCO में हमारे मेम्बरान हैं, तो हम बहुत ही कम ट्रेड कर सकें चाइना के अलावा बाकी तमाम ममालिक से। एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी इकॉनमी को भी इससे मज़ीद स्टेबलाइज़ करें और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि अब किस तरह से इन ममालिक के साथ ट्रेड को आगे बढ़ाना है। कितनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है आपकी नज़र में? देखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जैसे आपने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो तजारत ही रहा है, लेकिन इस तजारती जो डेफिसिट है या जो हमारी यकतरफा सोच है अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास कोटा सिस्टम एक्सेस था जो बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के साथ मुंसलिक था, इसलिए जो हम अपनी मंडी है एक तरह से नहीं बना सके थे। और दूसरा मसला यह था कि जो सारी जो बैन अल-अक़वामी तजारत है वो डॉलर में होती थी, जिसकी वजह से आपका जो ज़र मुबादला है वो ज़्यादातर आपकी तवानाई की ज़रूरियात और जो आपकी बाकी जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी या आपकी इम्पोर्ट्स थी वो यूरोप और जो बैन अल-अक़वामी माशी राहदारी अमरीका चला रहा था उसके साथ मुंसलिक थी। लेकिन जैसे जैसे अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ लगाई और उसके साथ साथ आपने डॉलर का क्राइसिस आया है, तो ये बात वाजह हो चुकी है कि अब अगर इलाकाई तावन को आगे लेके जाना है या इलाकाई सनत को आगे लेके जाना है या तजारत को आगे लेके जाना है, तो आपको ना सिर्फ करंसी स्वैप एग्रीमेंट्स चाहिए लेकिन उसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तरह से ये दोनों चीज़ें आपको फराहम करती है। एक तो ये कि इस मौके पर भी आपके मुख्तलिफ ममालिक के साथ बायलैटरल करंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होंगे और उसके अलावा जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, आपके लोगों को जो है बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप बड़ी हजम में तजारत नहीं कर सकते। इसलिए इसको बेहतर करने के लिए SCO का जो एक तरह से बुनियादी किरदार है उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। ये एक बहुत अहम तंजीम है जो इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को, तजारत के इजाफे को जो है बड़ी संजीदगी से देखती रही है और उसके साथ साथ जो वफूद साथ आए हैं, जैसे एक तरफ 70 लोग आए हैं, एक तरफ जो है 85 लोग हैं, इसी तरह मुख्तलिफ वफूद जो हैं आए हैं और उनकी जो तादाद है वो इसकी जो है संजीदगी को का मुजाहरा करती है और इस बात का मुजाहरा करती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपको चीज़ों की ज़रूरत है आप उसके ऊपर बड़ी संजीदगी से ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि देख रहे हैं कि तजारत को कैसे इजाफा, उसमें कैसे इजाफा किया जाए। दूसरा जो नुकता नज़र है जो मेरे ख्याल से इसके साथ उससे भी बड़ा है, वो ये है कि जाहिर है अगर आप इस खत्ते को गौर से देखते हैं तो इसमें आपको दो तरह की ताकतें नजर आती हैं। एक तरफ आपको रूस, कजाकिस्तान, ईरान जो तवानाई के शोबे में एक तरह से सरप्लस हैं और दूसरी तरफ ऐसे ममालिक जैसे कि चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और बाकी जो ममालिक जो एक तरह से आपकी जो सनत है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपके पास मैन पावर है। तो अगर आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें IT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद पाकिस्तान में एक तरह से हमें डिजिटल सिल्क रूट के साथ साथ मुंसलिक करता है और अगर आप इसको आगे जो है रूस के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ मुंसलिक करते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये कितनी बड़ी होगी। और जाहिर है अगर आपका तजारत का हजम बढ़ेगा तो आपका जो बैन अल-अक़वामी अदारे हैं बॉरोइंग के, जैसे IMF, जैसे अमेरिका से कर्जा लेना, इम्दाद लेना, इस पर भी आपका जो एक तरह से कह सकते हैं एम्फोसिस है वो कम होगा। सही। और फिर हमारे साहब, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिकल जो एक इस वक्त इंपॉर्टेंस है वो कितनी इन्हेंस इसके थ्रू हो चुकी है? इस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में होना ही एक बहुत अहमियत का हामिल है या फिर अभी इसके इससे फ़वाद उठाने के लिए हमें मज़ीद प्लानिंग की ज़रूरत होगी, साइडलाइंस पर मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स होना इसमें बड़ा ज़रूरी है, असल जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो उस पर कैसे रोशनी डालेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई आम बात नहीं, इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो हर तरफ चंगे हो रहे हैं।
और ऐसी सूरत हाल में जहाँ बैन अक्वामी जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, बैन अक्वामी तजारत की जो सिचुएशन है, उसमें मुख्तलिफ खचकोले आ रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें जो तरक्की पज़ीर ममालिक होते हैं जैसे पाकिस्तान है, जो एक ग्लोबल इकानमी में एक छोटा सा हिस्सा फिर मतलब प्ले करते हैं, उनके लिए मुश्किल के सबब बनते हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर वो बेहतर भी हो जाती है तो जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है वो आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से जो है आपको बेहतर फ्रेमवर्क दे रही है तजारत के लिए, बेहतर फ्रेमवर्क दे रही है कॉपरेशन के लिए, और फिर इसके साथ साथ बड़ी संजीदगी से दो तीन चीज़ों में भी काम करिए। एक तरफ साइंटिफिक कॉपरेशन, दूसरी तरफ एजुकेशन, यानी कि आपके जो बच्चे हैं उनको उस तरह की तालीम दी जाए जिनसे वो तजारत कर सकें बैन अक्वामी दुनिया में, और फिर उससे भी बढ़कर ये कि अगर चीन दुनिया की फैक्ट्री है और चीन के जरिए दूसरी दुनिया में जो है तजारत जा रही है और कल कुछ इसकी सनत आपके मुल्क में आती है तो उससे आपकी सनत की जो बेस है उसमें इजाफा होगा। ये कुछ फैमिली से निकल के बहुत बड़ी तादाद में बाकी आवाम तक पहुँचेगा, और जब ये पहुँचता है तो आपकी जो माइंड सेट है कि इस तरफ सिर्फ रोड रेलवे लिंक्स हैं ये ऐसे नहीं है, असल इसका जो असल इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आप इस पर तजारत कर सकें, और तजारत उस वक्त मुमकिन नहीं होती जब तक कोई आप इकोनॉमिक इम्पेटस नहीं क्रिएट करते। और ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन सरबराहों का पाकिस्तान में मौजूद होना, फिर ना सिर्फ ये कि वो उनके वफूद यहाँ आए हैं लेकिन हाईएस्ट लेवल के ऊपर तो सात ममालिक के वजीर आजम, और अगर आप अपने मुल्क का मिला लें तो आठ, तो एक लिहाज से सवाए हिंदुस्तान के आपके पास तकरीबन तमाम ममालिक के वजीर आजम पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये इस बात की वाज़ेह निशानदेही है कि वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और इस मरूजी हकीकत का इनराफ नहीं करना चाहते कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस तमाम खत्े के लिए बैन अक्वामी माशी राहदारी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। हाँ, हमारे लिए क्या जरूरत है, हमारे लिए दो चीज़ों की जरूरत है। एक तो ये कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, ये तो हर कोई कहता है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग से भी ज़्यादा जो चीज़ जरूरत है वो ये कि हमारे पास फिजिबिलिटी जो स्टडीज़ हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए ताकि हम जो कुछ भी करें उससे जो प्रोजेक्ट्स भी करें वो फिजिबल हों, उनकी जो है मावन तक जो उनकी टाइम फ्रेम हैं, जो उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनकी उनकी जो प्रोजेक्ट लेआउट्स हैं वो पाकिस्तान को फ़ायदा दें, और इससे भी बढ़कर आप इससे कानून साजी करेंगे, क्योंकि जब आप बैन अक्वामी ट्रेड पार्टनर्स के साथ काम करते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप अपनी लेजिस्लेशन को भी उस जगह पर लेके जाते हैं जिससे आप बैन अक्वामी में और बैन अक्वामी तजारत में इक्वल हिस्सेदारी कर सके। ठीक है, हमारे साहब जिस प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान और भारत मौजूद होते हैं मुश्तरक तौर पे तो सबसे ज़्यादा फोकस और हाईलाइटेड यही दो ममालिक रहते हैं, और अब यहाँ तो पाकिस्तान की मेज़बानी है और भारत मेहमान है, तो ज़ाहिर ये कोई एक बायलैटरल डायलॉग्स नहीं है, कोई बायलैटरल मीटिंग्स नहीं है, बायलैटरल इवेंट नहीं है, तो क्या निकल सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कोई बेहतरी की राह, कोई कुछ नहीं? देखें, मैं तो आपको थोड़ा सा सच बोलूंगी, मेरे नहीं हाथ से कि कुछ निकल सकता है, क्योंकि इस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी रूए रवा है वो तजारत है, इन तमाम ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ को दूर करना है, इंस्टीट्यूशनल इशूज़ को दूर करना है, तजारत को बेहतर बनाना है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को डील करना है, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत जो है दर हकीकत इस वक्त अमेरिका का तजारती पार्टनर है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मिलिट्री पार्टनर है, 60 से ज्यादा वो माहदे कर चुका है, $3 trillion से ज़्यादा जो है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, इसी तरह उनके जो हवारी हैं जापान ऑस्ट्रेलिया ये सब लोग कर रहे हैं। अब इसमें ये फराख दिली है SCO मेम्बरान की कि उन्होंने हिंदुस्तान को जो है अभी तक उनकी जो मेम्बरशिप है उसकी शमूलियत को जो है ना सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं बल्कि उसको सस्पेंड नहीं किया, अफगानिस्तान की जो है मेम्बरशिप सस्पेंडेड है। इसी तरह अगर अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान की सरजमीन में जैसे कि हम देख रहे हैं कि किस्म की दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं इस खत्ते के अंदर एक हकीकत बन रहे हैं, पाकिस्तान को इसका चैलेंज है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हिंदुस्तान को आप जहाँ तक हो सकता है बेहतर हमसाय रिलेशंस के लिए आपने को बुलाया है SCO की अफादियत के लिए, कंसेंसस के लिए, लेकिन इस तमाम इनिशिएटिव का जो मकसद है वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की है, पाकिस्तान को वस्त एशिया से मिलाना है, पाकिस्तान को अफ्रीका से, एशिया से, मशरक वस्ता से और बैन अक्वामी माशी राहदारी के अंदर जो है उसकी जगह बनानी है। देखिए, हमने 75 साल तक दुनिया की सिक्योरिटी रिलेशनशिप का जवाब दिया है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक जो हकीकत है उसको जिंदा करें। ठीक है, और इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या हम ये तमाम फवायद उठा भी सकेंगे? हमारी इस गवर्नमेंट की इंटेंशन और विल आपको इस वक्त नजर आ रही है, वो प्लानिंग, वो पॉलिसीज हमारे पास मौजूद हैं? देखिए इंशाल्लाह, देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको दो चीजें हो, एक ये है कि आप के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई मैकेनिज्म हो, अगर आप करना भी चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप बायलैटरल लेवल के ऊपर ये तमाम चीजें कर सकें।
तो इस वक्त अगर ये 9 ममालिक जो हैं यहाँ मौजूद हैं बाशमूल हिंदुस्तान तो 10 हो जाते हैं और फिर एस सी ओ के बाकी जो मेम्बर्स हैं जो ऑब्जर्वर स्टेटस में, तो इसका मतलब ये है कि संजीदगी से आपके पास तमाम टॉप लीडरशिप वहाँ मौजूद है, यानी कि जो काम आपको 10 साल में हो सकता है वो आप 1 साल में कर सकते हैं, कुछ अहदाफ आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके अदारों को आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर स्टेट बैंक है आपका, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं उनको डायरेक्शन मिल सकती हैं और उन डायरेक्शन के बाद इन सारी चीज़ों को आप किसी चीज़ में तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक लिहाज से आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और तीसरी बात, जाहिर सी बात है ये तमाम ये जो हुकूमत है इसका तजारत पे फोकस है, और अगर ये तजारत को समझते हैं तो अगर ये तजारती फायदे के लिए काम करेंगे तो उससे मुल्क को फायदा होगा। और जब आप बैन अवी तजारत की बात करते हैं तो जाहिर है फिर आप अपने जो मैकेनिज्म्स हैं और जो अपने जो सिस्टम्स हैं उनको भी बेहतर करते हैं। देखें आज हमने एस सी ओ की मेजबानी की है तो आज इस्लामाबाद आपको बहुत खूबसूरत बेहतर लग रहा है। इसी तरह आप बहुत सारे काम कर लेते हैं जो आप शायद वैसे ना करें, लेकिन जब आपके पास एक इनिशिएटिव होता है, बहुत सारे मुल्क आते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और उस अपॉर्चुनिटी को आप तब्दील करते हैं और इससे एक मोमेंटम आगे जाता है। और इससे भी बड़ी की जो मेरे ख्याल से बड़ी बात यही है कि इस वक्त आप ये जो कॉन्टेक्स्ट था, देखिए जो मुल्क के ऊपर एक डिप्रेशन था कि जी यहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी खत्म होने वाली है, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कौन आएगा पाकिस्तान में, इस तरह की बातें आप आम तमाम सुनते थे, ठीक है, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, आप उससे बाहर निकल के तजारत की बात कर रहे हैं, आप बाइज्जत तरीके से बैन अक्वा दुनिया के अंदर एक मुल्क के तौर पे देखे जा रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जो मेजबानी कर सकता है, एक ऐसा मुल्क जो तजारत के अंदर एक अहम हिस्सा देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुल्तान साहिबा माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर। हमारे साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बख्तियार मोहम्मद साहब तर्जमान एफ बी आर हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे कि अब टैक्स रिटर्न के जो रिकॉर्ड बने हैं इस साल वो मजीद कहाँ तक जा सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों ने इस साल नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रवां साल इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद 46,81,000 से तजावज़ कर गई है। एफबीआर के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 115% से ज़ायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करवाए हैं और गोशवारों के साथ 69 अरब टैक्स भी वसूल किया गया है। गुज़िश्ता साल 14 अक्टूबर तक 21,83,553 रिटर्न फाइल हुए थे। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अब तक 24,97,839 ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके हैं। एफबीआर के मुताबिक जुलाई 2023 से अब तक 10,95,811 नए अफराद ने खुद को रजिस्टर करवाया है। 6,59,504 नए रजिस्टर्ड अफराद ने काबिल टैक्स आमदन सिफर जाहिर की है। एफबीआर ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में दूसरी बार तौसी कर दी है, जिसके बाद अब टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने खबरदार किया है कि नॉन फाइलर्स टैक्स रिटर्न फाइल करें, वरना 1 नवंबर के बाद तरीन कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स का पूरा डेटा मौजूद है। उनका कहना था कि वजीर आजम की हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना है। इनकम टैक्स में बुनियादी मसला अंडर फाइलिंग का है। चेयरमैन एफबीआर ने मजीद कहा कि 30 लाख के करीब लोगों को टैक्स लायबिलिटी है, नॉन फाइलर्स भी बड़ी प्रॉब्लम है। यह बात दुरुस्त है कि कम लोग टैक्स देते हैं। राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि हमने कंपनीज के डिक्लेयर सेल्स टैक्स का मुवाजना किया। स्टील सेक्टर में एक कंपनी कहती है कि 7% टैक्स है, दूसरी कहती है कि 21% है। हमारे यहाँ लोगों में सच बोलने का रुझान बहुत कम है। चेयरमैन एफबीआर ने कहा है कि सेल्स टैक्स लॉ के तहत गलत डेटा देना क्रिमिनल ऑफेंस है। एमनेस्टी देने का हक किसी को नहीं है। हमने कुछ केसेस में पूरी प्रोसिक्यूशन नहीं की। कस्टम साइट पर स्मगलिंग का बहुत इशू है। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन चंद माह का काम नहीं, टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चंद साल लगते हैं। एक और अहम खबर यह है कि हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजिरों से टैक्स वसूली का हदफ पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। IMF ने हुकूमत को ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजिरों से रवां माली साल की पहली सहमाही के दौरान 10 अरब रुपए का टैक्स वसूल करने का हदफ दिया था, लेकिन हुकूमत सिर्फ 1 मिलियन रुपए का टैक्स ही जमा कर सकी है, जो कि हदफ का महद 0.001% बनता है, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत को दूसरी सहमाही का हदफ हासिल करने में भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एफबीआर पहली सहमाही के दौरान मजमू टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल करने में भी नाकाम रहा है, जिसमें एफबीआर को 90 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा है। ताजरों, एक्सपोर्टर्स और किसानों को टैक्स नेट में लाना IMF की बुनियादी शराइत हैं। अब इन शराइत पर कैसे अमल दरामद किया जाएगा और 31 अक्टूबर तक जो डेट एक्सटेंड की गई है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, उसमें
इसमें कितने मजीद इजाफे का इस वक्त इम्कान मौजूद है और कितने लोग उस वक्त तक टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। बख्तियार मोहम्मद साहब तर्जुमान FVR के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी तक यानी कल जब अख्तितम हुआ दिन का, जो कि डेट गुजर गई थी, फिर आप लोगों ने एक्सटेंड कर दी अब रिटर्न फाइल करने की डेट, कितने लोगों ने अभी तक अपने रिटर्न फाइल किए? अभी तक हमारे तकरीबन कुछ 47 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। 4.7 मिलियन लास्ट पिछले साल, इस वक्त कोई 21 लाख थे, अब 47 हो गए हैं इस साल इस वक्त तक। और ये चूंकि अब 31 अक्टूबर तक अभी आप लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है डेट को, तो जी क्या उम्मीद है कहाँ तक ये फिगर चला जाएगा? देखिए, रिटर्न तो थ्रू द ईयर जो लेट फाइलर्स होते हैं वो फाइल कर सकते हैं, और वो उनके कोई पेनल्टी है, कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। रिटर्न तो हम रोकते नहीं हैं, वो तो अभी भी लाइक पिछले साल की रिटर्न फाइल हो रही हैं। तो हमारा ओपिनियन है कि जी मेरे साल में जाना चाहिए तकरीबन कोई 6 मिलियन से ऊपर जाना चाहिए 31 अक्टूबर तक, हमारे अपने असेसमेंट ये है। और वक्त साहब 6 मिलियन भी क्या काबिल कबूल या इत्मीनान बख्श फिगर है? चूंकि ज़ाहिर है जब तक ये करोड़ों में नहीं जाता, या कितने फिगर तक पहुंचाना है FVR का टारगेट है इस वक्त? देखिए, ये रिटर्न से तो हमारे टारगेट का तो खैर जितने टैक्स पेयर हमारे पोटेंशियल होंगे वो उस तक तक ले जाएंगे, वो तो इशू नहीं, लेकिन हमारा असल टारगेट है टैक्स टू GDP रेशो। हम चाहते हैं कि हमारे टैक्स टू GDP रेशो 13-14% तक चला जाए, क्योंकि इस वक्त 10% के राउंड अबाउट हमारे टारगेट वो है, क्योंकि असल मेजर वो है। नंबर ऑफ रिटर्न तो आप नील से भी फाइल करा देंगे, उसका तो फायदा उतना नहीं है। हमारा असल इशू वो जो है ना, टारगेट वो हमारे टैक्स टू GDP रेशो का है। तो वक्त साहब, लोगों में विल या इंटेंशन क्यों नहीं है, टैक्स टू GDP रेशो क्यों नहीं बढ़ पा रहा, इसमें क्या रुकावटें हैं? और फिर ये रिटर्न भी आपने कहा नील से लोग फाइल करते हैं, क्यों नील से फाइल करते हैं? क्या FVR पर ट्रस्ट नहीं है लोगों का? नहीं, अब ट्रस्ट का इशू तो नहीं है कि जी वो आपको पता है कि जी ये जो टैक्स इवेजन है और अवॉइडेंस, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रैम्पेंट है, पूरी दुनिया में हर जगह पर होती है। कहीं पर लॉज इतने सख्त होते हैं कि लोग पकड़े जाते हैं ज्यादा, और अब हमने शुरू कर लिया, जिस तरह अब आपको पता चल गया, कल हमने जो 5 CFOs को अरेस्ट कर लिए, कि अब हम डिटर्मिन हो गए कि आप ठीक है, अगर आप टैक्स इवेजन करेंगे, टैक्स अवॉइडेंस करेंगे, तो लॉ को हरकत में लाना पड़ेगा। तो ये इन्फोर्समेंट असल चीज़ है कि जी हम लॉ को कितना सख्त करते हैं। अब हमने डिसाइड किया हुआ कि जी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो होपफुल इंशाल्लाह कि अब चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि टैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होता है वो इन्फोर्स होता है, वो वॉलंटरीली बहुत कम दुनिया में लोग सही टैक्स देते हैं, वो लेना पड़ता है। तो वक्त साहब, ये 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, अब ये तारीख एक्सटेंड नहीं होगी, चूंकि FVR अनाउंस भी कर चुका है कि 1 नवंबर से फिर सख्त कार्रवाइयाँ शुरू होंगी जिन्होंने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किए। अच्छा, ये जो हमारा तो डिसीजन है, तक हमने 30 सितंबर से आगे भी नहीं जाना था। अच्छा। लेकिन जाहिर है हम एक पोलिटिकल उसमें रह रहे हैं, तो एक्सटेंड हो गई है, तो अब 31 अक्टूबर के बाद तो कोई तुक भी नहीं बनता ना, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट, तो उसके बाद जाहिर है। और दूसरी बात है कि जो लोग उसके बाद खुद भी रिटर्न फाइल करेंगे वो लेट फाइलर्स के लाएंगे, और लेट फाइलर्स के लिए जो पेनल्टी के अलावा उसके सबसे बड़ा मसला है कि वो कभी भी फाइलर अगले साल तक नहीं बन सकते, तो उनको वो जो फाइलर के बेनिफिट से वो नहीं मिलेंगे। तो अच्छा। जो जिसने रिटर्न फाइल करनी है वो 31 से पहले फाइल कर ले, ताकि वो फाइलर का फायदा उठा। और फिर लेट फाइलर पर क्या क्या कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कौन कौन से कानून उस पर लागू हो जाएंगे? एक तो उसके लिए वो है ना पेनल्टी है, जो फाइनेंशियल पेनल्टी है, प्लस ये कि वो अगले मार्च तक फाइलर नहीं बन सकता। अच्छा। वो जो फाइलर के जो फायदे हैं ना, जिस तरीके से आप जाते हैं कहीं पर आपको लोअर टैक्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स लगता है, वो बेनिफिट वो नहीं उठा सकेंगे जो लेट फाइलर्स होंगे। तो अब बख्तियार साहब, IMF तो ये चाह रहा था कि हमारी ये जो टैक्स कलेक्शन है, नेट है, ये इसमें इजाफा हो, इसमें ताजिर भी आएँ, उसी मुनासबत से ताजिर दोस्त स्कीम भी लाई गई, जब वो फेल हो गई तो उसका कोई अल्टरनेट प्लान आप लोगों के पास है, या फिर बस सबको एक ही कैटेगरी में एक लेट फाइलर के तौर पर ही ट्रीट करना है? नहीं नहीं, फेल तो आप उसको सच उस तरह नहीं कह सकते, वो एक वॉलंटरीली हमने उनसे कहा था कि आप एडवांस टैक्स दें, वो ये नहीं कि हमारे टैक्स नेट से बाहर रहेंगे, टैक्स नेट में तो हम उनको लाएंगे। अच्छा। जैसे हमने कहा ना कि 31 अक्टूबर तक वो ट्रेडर हो या कोई और हर एक के लिए डेटा, वो डेट जब गुजर जाएगी तो वो ट्रेडर या कोई भी हो हम उसको टैक्स नेट में फिर लाएंगे, और जो जिसके जो टैक्स बनता है वो देगा। ये जो ट्रेडर स्कीम थी, हमने उनको एक ऑप्शन दी थी कि आप अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं और अपने उस सिस्टम में आ जाएं, तो जिन्होंने उसको अवेल किया
वो फायदे में रहेंगे, जिन्होंने अवेल नहीं है कि वो 1 नवंबर के बाद फिर इंशाल्लाह वो सारे जो जिस तरीके से हम उसको इन्फोर्स करेंगे लॉ को उसमें वो भी आएंगे सारे लोग आएंगे जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी तो नहीं की। ताजिरों के लिए जिस तरह आप लोग एक स्कीम लेकर आए ताजिर दो स्कीम, तो दूसरे सेक्टर्स के बारे में कुछ इस तरह की स्कीम्स नहीं आप लोग लेकर आए कि उनके लिए भी अट्रैक्शन पैदा हो आम लोगों के लिए और वो भी फिर शामिल करें खुद को अपने पाकिस्तान के टैक्स नेट के धारे में? देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा हम हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि जी आपने अभी तक एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया। अब वो एक आईनी मसला है क्योंकि आईन हमें मना करता है कि जी आप फेडरल गवर्नमेंट को कि आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सके, वो उन्होंने उसको सूबाई मसला छोड़ा हुआ है। तो जब तक वो सूबाई मसला आईन के अंदर है हम उसको उस तरह तो नहीं छेड़ सकते, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। तो बाकी सेक्टर्स तो हमारे सारे तकरीबन नेक्स्ट टैक्स नेट में है, सिवाय ये जो ट्रेडर्स का उस तरह टैक्स नेट में नहीं है जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जी होना चाहिए और हम भी कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो हम वेट करेंगे, 31 अक्टूबर तक नहीं आते तो ठीक है फिर हम कानून ने अपना रास्ता तो लेने ही लेना है। अच्छा, रियल स्टेट सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर के अलावा रियल स्टेट सेक्टर भी एक ऐसा है जिसके बारे में काम तासुर ये है कि वहाँ से भी कोई खास टैक्स कलेक्शन नहीं होती है, वो भी टैक्स नेट में शामिल नहीं है, तो उस पर भी जरा अपना एक ओपिनियन आप दे दीजिएगा कि ऑफिशियल उस पर क्या सोच है एफबीआर की। उसमें देखिए ना, उसमें जो वहाँ पर गड़बड़ होती है वो होती है आपको पता है कि वो रेट से होती है कि जी वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके 50 लाख पर डिक्लेयर कर दी या 25 लाख पर डिक्लेयर कर दी, बाकी उसका ब्लैक मनी जाके वहाँ पर पार कर लेते हैं। तो उसका अब हम 46-46 शहरों में अपने जो रेट्स हैं जो एफबीआर के रेट से वो हम रिवाइज मेरे ख्याल में तकरीबन हो गए, वो हम कर रहे थे, तो रिसर्च कर रहे थे कि कैसे उसको रिवाइज करें और अब हम उस चीज को खत्म करने जा रहे हैं। तो वो जो मार्केट रेट होगा उसी के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को वो डिक्लेयर करेगा तो उसकी जान छूटेगी, वरना हम उसको नहीं छोड़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई फिर भी इंसिस्ट करता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने कम कीमत की ली गई तो हम उसको थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ा के कानून में चेंज ला रहे हैं, हम उसको ऑफर देंगे कि ठीक है ये प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट की हो गई। मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ, एक बंदे की प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, वो डिक्लेयर करता है 1 करोड़ सही, और वो इंसिस्ट करता है कि ये मैंने 1 करोड़ की लिए क्योंकि 9 करोड़ उसने ब्लैक मनी उसमें पार्क किया हुआ है। तो हम उसको कहेंगे ठीक है जनाब 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 15 लाख की गवर्नमेंट की होगी और जाओ ये 1 करोड़ 10 या 15 लो। तो ये भी हम तरीका ला रहे हैं जिसकी वजह से अब लोगों को वो जो अंडर डिक्लेरेशन है या जो वो जो ब्लैक मनी पार्किंग है रियल स्टेट में इसका सदबाब होगा इंशाल्लाह। बख्तियार साहब, इसको इंप्लीमेंट कब से कर रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और हो सकता है कि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट भी सामने आए और एक बड़ी तादाद खुद को फिर टैक्स नेट में और रियल अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू शो करना शुरू करे, तो ये कब से आप लोग इसको लागू करने जा रहे हैं? इसके डेट अगर मैं आपको दूं तो वैसे ही हम फंस जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी से मतलब है कि जी ये जनवरी फरवरी से आगे जाने वाली बात नहीं है, उससे पहले पहले होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो रिटर्न फाइल करने का जो एक तरीकेकार है वो भी बड़ा लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल सा है। जिस तरह आप लोग ताजिर दोस्त स्कीम लाए, इसी तरह की अगर कोई आसान सी एक तरीकेकार आप लोग वजह कर दें कि हर बंदा खुद अपना रिटर्न फाइल कर सके, तो शायद उससे भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में। इस पर क्या सोच है एफबीआर की? उसका न सिर्फ रिटर्न फाइल करने वाले बंदों का इजाफा होगा बल्कि हमें भी फायदा होगा। मैं समझाता हूँ आपको, इस साल से हमने सैलरी क्लास के लिए प्री फिल्ड रिटर्न हम ले आए। अच्छा। प्री फिल्ड रिटर्न होती यह है कि जी मैं सैलरी पर्सन हूँ, मैं जो ही अपने सिस्टम में लॉग इन करूंगा तो मेरी रिटर्न सामने नजर आएगी, मुझे कहेगी, वो रिटर्न खुद ही कहेगी, सिस्टम कहेगा, क्योंकि हमारे पास डेटा आ चुका है कि जनाब आपकी इतनी सैलरी है, इतना आपने टैक्स काटा, ये आपने प्रॉपर्टी लिए, ये किया, ये किया, ये किया, सारी चीजें मुझे साल के साल सामने नजर आ रही। तो वो उसके हिसाब से यही चीज हम बाकी लोगों के लिए भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो एक तो उसका फायदा हमें ये होगा कि उसकी सारी जितनी उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो कैप्चर हो जाएंगी उस रिटर्न के अंदर। सेकेंडली, उस बंदे के लिए भी आसानी होगी कि वो अपने रिटर्न खोलेगा और सामने उसको जो कोई आगे कोई एक अच्छी उसने ऐड या करनी है, अगर वो समझता है कि जी ये चीज नहीं है, बाकी वो रिटर्न फाइल कर लेगा, अगले साल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिटर्न की आसानियां सारों के लिए हो जाएंगी। कंपनीज की बात नहीं कर रहा मैं, बात करूं कंपनीज के अलावा। सही, ठीक है। और बख्तियार साहब, जो टैक्स कलेक्शन का जो रेवेन्यू इस वक्त जो टारगेट रखा गया था उसमें हमने देखा पहले क्वार्टर में एफबीआर का कोई शॉर्टफॉल रहा है, तो अब ये इस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा? क्या कुछ कोई मिनी बजट या इस तरह के मजीद कुछ टैक्सेस को नाफिस करने पर गौर हो रहा है, या फिर जो ये कमी रह गई है इसको किस तरह से अब आप लोग कवर करेंगे? देखिए, इन्फोर्समेंट एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम ये जो हमारा शॉर्टफॉल हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ हम इसको कवर करेंगे, हम इंशाल्लाह इसको सरपास करेंगे। और हमने जैसे मैंने कहा कि जी अब हमने
इतनी शुरू हो गया सिलसिला कि आपको अब रोजाना मीडिया में भी नजर आएगा और मीडिया के साथ शेयर करते जाएंगे कि आज हमने इतने बंदों के खिलाफ एक्शन लिया, इतने बंदों को अरेस्ट कर लिया, इतने बंदों को। अब जो फ्रॉड करेगा, जो हमारे सेल्स टैक्स असल हमारे जो प्रॉब्लम वहां पर है, जो हमारा फ्रॉड करेगा, जो हमारे टैक्स को रिफ्लेक्ट करेगा, कोई माफी किसी के लिए नहीं है अक्रॉस द बोर्ड। ये मैं ऑफिशियल वर्जन दे रहा हूँ कि अब हमने ये एक तहिया कर लिया कि जी वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनी डॉजर, इवेडर और टैक्स एवॉइडर। और बख्तियार साहब, एक और भी तस्वीर जन्म ले रहा है कि जो टैक्स रिफॉर्म्स इस वक्त हो रही हैं, एफबीआर ने इतने सख्त इकदाम उठाने का फैसला किया, ये आईएमएफ का प्रेशर है, क्योंकि इससे पहले हमने एफबीआर के इतने सख्त इकदाम या टैक्स नेट को इस तरह से बढ़ते हुए या बड़े बड़े टैक्स टारगेट्स नहीं सेट होते देखे हैं, तो ये आईएमएफ की इंटरवेंशन के बाद ये सब कुछ हो रहा है या एफबीआर और गवर्नमेंट भी खुद ये तमाम इकदाम लेने में संजीदा थी? आईएमएफ के साथ तो हमारी जो एग्रीमेंट है उसमें तो सिर्फ बजटरी टारगेट का इशू है ना। अब वो बजटरी टारगेट को जो हमने अचीव करना है तो वो नॉर्मल तरीके से होने नहीं है, वो तो हमने अब लॉक कानून जो कहता है उसी के मुताबिक चलेंगे तो ये बात बनेगी। तो इसीलिए वो आपको सख्ती लग रही, बिकॉज अब जो कानून कहता है हमने वैसे चलना है, अब ये डिसाइड यही हुआ है, क्योंकि उसके पास हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा हम सर्वाइवल का, हमारा मुल्क जो है कर्जों पे कब तक चलेगा, जब तक हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं करेंगे, जिसके लिए हमें सख्त होना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। लेकिन बख्तियार साहब, एग्रीकल्चर वाले मामले पर बड़ा स्पेसिफिक है आईएमएफ के, वो इस पर तो डायरेक्शन देता है कि उनको आप टैक्स नेट में लेकर आएँ। अब आप जाहिर है कह रहे हैं कि वो एक आईनी मसला है, फेडरल लेवल पर बड़ी मुश्किलात हैं, तो सूबों को ऑन बोर्ड ले रहा है एफबीआर, फिर सूबों से बातचीत चल रही है कि किस तरह इनको लाया जा सकता है टैक्स नेट के अंदर? सूबों को हम डिक्टेट नहीं कर सकते, सूबों को हम सपोर्ट जरूर करें, जहां पर उनको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो तो हम तैयार और हम देते भी रहे और अभी भी देंगे, लेकिन ये इशू जब तक आईन में तब्दीली नहीं आती, ये सूबे का मसला है, उस पर मैं आगे इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा और वो सूबों ने करना है, बिकॉज हमारा इशू नहीं है वो। सही। और एक आखिरी सवाल बख्तियार साहब, के जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट इस साल रखा गया ऑलमोस्ट वो राउंड फिगर अगर 13,000 अरब हम देखें, इजीली अचीवेबल है या हम कुछ सरप्लस में चले जाएंगे, कुछ ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेंगे या फिर हम शॉर्टफॉल रह जाएगा हमारा इस वक्त पहले क्वार्टर के बाद, आपकी क्या तवक्कुआत है? देखिए मेरी बात सुने, अगर हमने जो शुरू कर लिया मुहिम को और हमने तय कर लिया कि जी हमने टैक्स चोरों को और टैक्स एवेडर्स के पीछे जाना है, मैं टैक्स चोर लफ्ज तो गलत लफ्ज है, लेकिन वो लोग जिनको जो टैक्स में अपना सही हिस्सा नहीं डालते और उनको मजबूर करें कि वो अपना हिस्सा डालें, अगर हम ये स्कीम लेके चलेंगे और ये पूरा साल चलेगा तो ये टारगेट इंशाल्लाह हो जाएगा और हो सके सरपास भी हो जाए, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर हमने वही जो पुराना तरीकेकार है उस तरीके से चले तो फिर तो ये टारगेट कैसे होगा? तो वो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें अब कानून जिस तरह कानून कहता है वैसे चलना पड़ेगा, वरना ये तो टारगेट है। डॉक्टर साहब, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पर तो मजीद बोझ नहीं डलेगा ना, कहीं दरमियान में नवंबर दिसंबर जनवरी में कहीं उन पर मजीद बोझ डाल दिया जाए शॉर्टफॉल के नाम पर, ऐसा तो नहीं होने जा रहा? देखिए मेरे पास दो चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करें, एक ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसने हमारे साथ गलत बयानी की है। अच्छा, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि उसको सपोज 100 रुपए टैक्स है ना, तो उसने 20 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो उससे तो 100 लेना हमारा फर्ज बनता है ना। बिल्कुल। एक तो ये हो गया, ये तो आप ऑलरेडी टैक्स पेयर के लिए, और जो ऑलरेडी टैक्स पेयर नहीं है उनके लिए आपको मैंने पहले कह दिया कि जी अब नॉन फाइलर के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। जिस बंदे ने फाइलर होना है एक सेक्शन 114 के तहत, जिसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, वो हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि वो रिटर्न फाइल करें। सही। तो हमारा असल ड्राइव है टुवर्ड्स कि ये नॉन फाइलर्स जो है ना, जहाँ पर हमारा असल गैप आ रहा है उनको हम नेक्स्ट नेट कराएंगे। और नॉन फाइलर से मुराद आम बंदा नहीं है, नॉन फाइलर से मुराद वो बंदे हैं जिनको कानून के मुताबिक रिटर्न फाइल करना चाहिए और उन्होंने किए नहीं। ठीक है, वो नॉन फाइलर। आखिर में एक और क्लैरिटी दे दीजिएगा, नॉन फाइलर और अभी आपने एक टर्म लेट फाइलर इस्तेमाल की थी, इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? चूंकि सजा उनको भी मिल रही है, लेट फाइलर्स को भी और वो नॉन फाइलर को भी मिलेगी, फर्क क्या होगा दोनों में? बहुत ज्यादा है वो तो। खैर, वो तो नॉन फाइलर वो है जो रिटर्न फाइल ही नहीं करता, और लेट फाइलर वो है जो करता है लेकिन जो ड्यू डेट है उसके बाद करता है। लेकिन उस पर भी पेनल्टी लगती है और उस पर भी पेनल्टी लगती है, बराबर दोनों पर पेनल्टी। हाँ, लेकिन नॉन फाइलर के ऊपर हैवी पेनल्टी है। अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बख्तियार मोहम्मद साहब, तर्जमान एफबीआर, गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।